जनता को जवाब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू कुमार को देना चाहिए। अब अपने आप को बचने के लिए अनर्गल बयानबाजी करके विशेष जो मुद्दा है उस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। भतीजा जो है कि 10 लाख है, पहले कैबिनेट में नौकरी देने का उन्होंने आश्वासन किया था, उससे तो बड़ा इन्होंने कह दिया गांधी मैदान में कि भतीजा 10 लाख एक पहला कैबिनेट में देगा, और उन्होंने कह दिया कि 10 लाख हम रोजगार देंगे। अब रोजगार मांगने वाला, नौकरी मांगने वाला के ऊपर लाठी और गोलियां चला रही है ये सरकार। जनता अब कह रही है कि आप नौकरी देंगे और नहीं तो इस्तीफा देंगे, तो नौकरी आप दे नहीं रहे तो बचा है इस्तीफा। तो इस्तीफा मुख्यमंत्री पलटू कुमार जी को दे करके जनता के जनादेश के लिए जनता के बीच में जाना चाहिए। पार्टी टूटेगी, उनका विचारधारा टूटेगा, परिवार टूटेगा, उससे कोई अब बचाने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए एक गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, ये दर्द वहाँ झलक रहा है। उस कुर्सी पर 50 साल एक वंशवाद परिवारवाद के लोगों ने राजतंत्र को कायम करके रखा। राजतंत्र तो खत्म हुआ, लेकिन राजतंत्र पर्दे के पीछे से वो लालू जी का परिवार हो या सोनिया जी का परिवार हो, ये राजतंत्र अब चलने वाला नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कई लोग बहुत कुछ मांग भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, वो फिर से एक बार विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं, और इस पे हमने पूर्व मंत्री, बिहार के पूर्व मंत्री जनक राम से बात की, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य का मांग कर रहे हैं, यानी कि जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, उससे वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि यही मुख्यमंत्री थे जो गांधी मैदान में खड़ा होकर बोले थे जब इनके भतीजा 10 लाख की नौकरी की रोजगार की बात कर रहे थे, तो उस पर ये बोले थे कि भाई ये तो 10 देंगे, हम 20 देंगे। लेकिन वो मुद्दा कहाँ गया, यानी कि अभी तक वो नौकरी देने की जो बात हुई थी वो कहाँ गई। कई ऐसे सवाल थे, जैसे राहुल गांधी की जो चर्चा हो रही है संसद में, जो उस तरह से कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बातें हुई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी लालू प्रसाद यादव जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, हम जानते ही नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री। सर, एक बार फिर से बेमानी है, बिहार के मुख्यमंत्री जी को इस पर चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। अगर उनके अंदर नैतिकता बची है, बिहार के दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सर्व समाज के लोग हैं, एनडीए के जनादेश दिया था, जनादेश को इन्होंने चोरी करके महागठबंधन के साथ चले गए। अब तो जनता पूछ रही है, आप करप्शन के खिलाफ आपने सत्ता में आए थे, आज उसी करप्शन के साथ आप मिल गए, आप जनता के बीच में आपको आकर के जवाब देना चाहिए। आप भ्रष्टाचार करप्शन के साथ संबंध आपने जोड़ लिया है, कहीं लाठी चल रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ डंडे चल रहा है, शिक्षकों के साथ चल रहा है, बिहार के 14 करोड़ जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। तो जनता को जवाब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू कुमार को देना चाहिए। अब अपने आप को बचने के लिए अनर्गल बयानबाजी करके विशेष जो मुद्दा है उस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। ये बिहार की जनता अपनी रोजी रोजगार, उनके भतीजा जो है कि 10 लाख है, पहले कैबिनेट में नौकरी देने का उन्होंने आश्वास किया था, उससे तो बड़ा इन्होंने कह दिया गांधी मैदान में कि भतीजा 10 लाख एक पहला कैबिनेट में देगा, और उन्होंने कह दिया कि 10 लाख हम रोजगार देंगे। अब रोजगार मांगने वाला, नौकरी मांगने वाला के ऊपर लाठी और गोलियां चला रही है ये सरकार। तो जनता अब कह रही है कि आप नौकरी देंगे और नहीं तो इस्तीफा देंगे, तो नौकरी आप दे नहीं रहे तो बचा है इस्तीफा। तो इस्तीफा मुख्यमंत्री पलटू कुमार जी को दे करके जनता के जनादेश के लिए जनता के बीच में जाना चाहिए। उन्हीं को लोग जान रहा है जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं ना, उनको खुद बिहार के लोग जानता है कि होटवार जिले से आप लौटे हैं। बिहार की जनता भली भांति जान रही है, जो संविधान की बात करके, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करके, महात्मा गांधी जी की बात करके, इन लोगों ने बिहार की जनता को शर्मसार किया, देश की जनता को शर्मसार किया। वंशवाद परिवारवाद से इन लोगों को बाहर निकलना नहीं है। अगर जिन नेता ने कह रहा है कि उस नेता को मैं नहीं जानता हूं, उनको तो बिहार जान रही है ना। बिहार ने जब जब आपको 15 साल सत्ता में शीर्ष पर बैठने का अवसर दिया, आपने परिवारवाद के बेटा बेटी पत्नी के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। जब से वो आपके पार्टी में मिले हैं, एनडीए में आकर मिले हैं, तब से मतलब लोकतंत्र का यही खूबसूरती है, कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन उनके चाल चरित्र के बारे में बिहार की जनता जान रही है। आने वाले चुनाव में, हर चुनाव में उनको जनता सबक सिखाती है, लेकिन इनके चाल चरित्र में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जो नई टीम की गठन हुई है, उसमें एक भी मुस्लिम जो लोग हैं वो नहीं है आप लोग के यहाँ?
ये तो शर्मा मान है, ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में इतने अच्छे सुंदर सभी समाज को समाहित करके जो संगठन का नव निर्माण हुआ है, हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में इसका वाहवाही हो रही है। आने वाले दिनों में इसका दिखेगा बिहार में, जो 24 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तो उनके कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात करती है, समाज हित की बात करती है। अंतिम पंक्ति में बैठे जो समाज एवं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े या अति पिछड़े या कलियत समाज के लोगों को, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना रहा है, महात्मा गांधी जी का सपना रहा है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना रहा है, जिनको खाने की रोटी नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, जाने की बस्तियों में सड़कें नहीं हैं, उनकी चिंता महापुरुषों ने किया है। उस चिंता को आपने नकार करके 15 साल आपकी खुद सरकार रही है, जिसको जंगल राज के नाम से बिहार की जनता जानती है, और आप जिनके छोटे भाई के नेतृत्व में चाचा भतीजे पलटू कुमार की सरकार चल रही है, ये तो पलटने में माहिर है। तो बिहार की जनता जब जब जंगल राज को पलटती है, पलटू कुमार पलट करके सुशासन का नाम देने वाला अब कुशासन के साथ बैठ करके गलबैया कर रहे हैं। जनता तो यही कह रही है कि आप सुशासन की बात करने वाले भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया, तो जनता के बीच में ये जनादेश जो मिला था सुशासन के लिए मिला था, कुशासन के लिए नहीं मिला था। आप में नैतिकता बची है पलटू कुमार जी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, तो आप तत्काल रूप से इस्तीफा लगा करके जनता के बीच में आना चाहिए। बयान दिए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, तो पहले जो किया जो नहीं किया नहीं, अब उनके विधायक हैं बिहार से, वो नीतू जी कह रही हैं कि राहुल गांधी 50 साल बुढ़िया को किस क्यों देंगे, करना होगा तो उनके सामने तो 50 लड़कियां रहेंगी। देखिए वो तो इन लोगों के विद्यालय में, घरों में सभ्यता संस्कृति आज तो हद हो गया है। राहुल गांधी जी को उनके घर के लोग समझाए, उनके पार्टी के लोग समझाए, ये तो हद हो गया है, ये चर्चा का विषय नहीं है। देश शर्मसार है, संसद भवन एक देश का मंदिर है, सभी धर्म जाति मजहब के लोगों को संसद भवन में आस्था और विश्वास है। प्रचंड बहुमत की सरकार लाठी डंडे गोली के बल पे देश के सशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बैठे हैं, और गांधी जी का ये दर्द है, कांग्रेसियों की ये दर्द है, घमंडिया का ये दर्द है, महागठबंधन की ये दर्द है, तो प्रधानमंत्री के लिए दर्द नहीं है। उनको दर्द है कि एक अति पिछड़ा का बेटा, जिनके माँ दूसरों के घरों में मजदूरी करके बेटा को लालन पालन करके आज बिहार के ही नहीं देश की सर्वमान्य जनता 1 अरब 40 करोड़ लोगों ने अपने खून पसीना के बदौलत कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए एक गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, ये दर्द वहाँ झलक रहा है। उस कुर्सी पर 50 साल एक वंशवाद परिवारवाद के लोगों ने राजतंत्र को कायम करके रखा, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तमाम इस देश के और राज्य के पुरोधा ने राजतंत्र के लिए संघर्ष किया। राजतंत्र तो खत्म हुआ, लेकिन राजतंत्र पर्दे के पीछे से वो लालू जी का परिवार हो या सोनिया जी का परिवार हो, ये राजतंत्र अब चलने वाला नहीं है। देश के सशी प्रधानमंत्री बहुत लंबी लकीर खींच दिया है, 1 अरब 40 करोड़ जनता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान सबको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मोदी जी फिर आएंगे। मंत्री, एक सवाल है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से एक पर एक विवाद क्यों आ रहा है बयान में? तो उनके घर की मामला है, जब घर में जब कोई अच्छे सलाहकार नहीं होता है, रास्ता बताने वाला नहीं है, गार्जियन अभिभावक नहीं होता है, किसी उस घर का मालिक नहीं होता है, तो घर में बगावत होता है। उनके घर की ये मामला है, और मुझे लगता है कि उनसे अब बचने वाली पार्टी नहीं है। पार्टी टूटेगी, उनका विचारधारा टूटेगा, परिवार टूटेगा, उससे कोई अब बचाने वाला नहीं है। तो आपने सुना पूर्व मंत्री जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई मुद्दा भटकाया जा रहा है, बस ये पलटू राम ही बन के रह गए हैं, इधर से उधर बस पलटते हैं और फिर से जंगल नहीं महाजंगल राज बना कर रख दिए हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।